चलो कल क्या पढ़े थे बताओ जरा फटाफट, क्या क्या पढ़े थे अपन ने कल? सबसे इम्पोर्टेंट था सॉर्ट एंड फिल्टर, है ना। दूसरा हमने टेबल को फॉर्मेट करना देखे थे। तीसरा हमने सेल फॉर्मेटिंग देखे थे, है ना। बाकी चीज हमारी पहले से चली आ रही, सेल इंसर्ट करना और जो भी उससे रिलेटेड सारी चीजें, और डिलीट करना भी अपन ने देख लिए, साथ में फॉर्मेटिंग करना। अब ये वाला जो सिग्मा ऑटो सम का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें आपको पांच चीजें नजर आएगी, दिख रही। सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिन है। ये पांचों चीज अपन ने कल करे, है ना। नहीं बन रही होगी वो बात अलग, अभी बता दूंगा। और पर कल अपन ने उसकी प्रैक्टिस कर लिए थे। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर हमने करके नहीं देखे, एमएस वर्ड जैसे ही काम करता है। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार। अब देखो आप जो है इसको फॉर्मेट, मतलब एक प्रकार से आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहोगे कि नहीं, सीट बनाएंगे तो करेंगे कि नहीं बताओ, करेंगे ना। अब ऐसे की बहुत सारी सीट और आ गई तो अपन फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने में हमारी मेहनत क्या होती है, ज्यादा लग जाती है, ठीक है। तो उसी फॉर्मेटिंग के समय को बचाने के लिए हम क्या करते थे, फॉर्मेट पेंटर। चलो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते। देखो इसकी जो साइज है, जितनी ज्यादा बड़ी उसको अपन बड़ा कर लेते। इसकी आप चाहते हो जैसे, ठीक है, इसको आपने बोल्ड कर दिए और इसमें आप क्या कर दो, कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह, ये सारी चीज तो बन जाती है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कर दो, कौन सा, लाइट। उसके अलावा क्या कर दो, यहाँ इसके हेडिंग का कलर कर दो डार्क। अब यहाँ अपन ने कोई सीट बनाया मान लो, चलो सीरियल नंबर की जगह हम क्या कर लेते हैं, EMP ID, EMP ID, EMP name, EMP मतलब एम्प्लॉय, है ना। और यहाँ पे कर दी हमने सैलरी। अब ये हेडिंग हमारी देखो एडजस्ट अच्छे से नहीं है, जबकि ये हेडिंग हमारी अच्छे से व्यवस्थित है, कलर वगैरह सारी चीज है। हम चाहते हैं ये हेडिंग का जो सारा फॉर्मेटिंग है वो कहाँ चला जाए, इसमें। तो इस हेडिंग को सेलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर में जाना है और इस हेडिंग के ऊपर लाकर छोड़ देना है। देखो आप ये मत बोलना कि बिट उतनी क्यों नहीं आई, बिट इसके अकॉर्डिंग रहेगी ना, तो आप बिट तो बस चेंज कर लो, ठीक है। अब ऐसे आप इसके नीचे डाटा लिखोगे, इसको आप कॉपी कर लोगे किसके माध्यम से, फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से, और यहाँ लाकर इसको ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो जैसे एमएस वर्ड में करे थे वैसे यहाँ पे भी करना है, इसको करके देख लेना एक दो बार, बन जाएगा। अब कभी कभी ये समस्या भी आती है हमारे सामने, हमने डाटा डिलीट कर दी यहाँ से और ये फॉर्मेटिंग रह गई है ना, आती है ना। मतलब एक तरीके से आपने जुर्म कर दिए, सबूत छोड़ के आ गए, यही हो गया उसका मतलब। तो आप उसको सेलेक्ट करो और देखो यहाँ पे क्लियर नाम का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है सबको। क्लियर में हम जाएंगे तो हमको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ये कंप्लीट हटाना है कि सिर्फ हमको डाटा हटाना है इसमें, मतलब फॉर्मेटिंग भी हटना चाहिए और डाटा भी। डाटा को बोलते हैं कंटेंट, ठीक है, और फॉर्मेटिंग को फॉर्मेटिंग। तो यहाँ दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए अपन क्या कर लेंगे, क्लियर ऑल। इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें डिलीट होगी देखो जरा, कमेंट अगर देंगे तो वो भी हो जाएगी, अगर हम किसी चीज से लिंक करते हैं यानी हाइपर लिंक देते वो भी हो जाएगी। तो मतलब क्या है, क्लियर ऑल, क्लियर ऑल करोगे, देखो आप सबूत है क्या नहीं। तो कभी भी आपको सीट में मतलब कंप्लीट चीजें उड़ाना है या डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, क्लियर ऑल, समझ गए। चलो ये ऑटो सम हम अब उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखो हमारा बचा क्या है, एक ऑप्शन बचा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम एक और चीज यहाँ लिख लेते, जैसे मान लो हमने क्या लिख दिए, फीस लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फीस लिख दिए। और फीस में हम लिख देते हैं क्या, जैसे मान लो हम अलग अलग संख्या दे देते हैं। चलो यहाँ किसी की फीस 60,000 है, किसी की 70,000 है, किसी की 15,000 है, ऐसे अलग अलग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको जो फॉर्मेटिंग कर रहा है वो समझ में आ जाएगी सही में हुई है या नहीं हुई है। चलो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक है बताओ जरा, सबसे लो लेवल की सैलरी से मैक्सिमम कहाँ तक है बताओ जरा, सबसे मिनिमम कौन सी है, 5,000 मैक्सिमम, है ना। तो अभी तो देखो एक बार मैंने फॉर्मेटिंग करा हूं तो सब में कॉमन हो गई। हाँ चलो लड़ाई मत करो उसके लिए, जो भी है वो बता देगा ना हमको। अभी हमने नॉर्मली आप इतने में तो आपने देख लिए कम कितनी ज्यादा कितनी, अगर यही 50 की संख्या में रहती और 1,000 की संख्या में रहती तो कैसे देखते, कठिन होता। जैसे हमने फिल्टर लगाए थे तो फिल्टर ने क्या करा था, बहुत अधिक संख्या वाली जो डेटा है उसको मतलब छानता है, जैसे हमको किसी कैटेगरी के ऊपर देखना, जैसे छिंदवाड़ा के बच्चे देखना है तो हमने छिंदवाड़ा के देख लिए थे, अगर अजय नाम का बच्चा देखना था अजय नाम का, अब अजय नाम के तीन चार है तो सभी निकल कर आ जाते थे, ठीक है। तो हम यहाँ चाहते हैं हमारे पास क्या है, डाटा, ठीक है। चलो यहाँ भी हम रख लेते हैं, जैसे भोपाल छिंदवाड़ा यहाँ लिख लेते हैं अपन,
जबलपुर, और यहाँ लिख लेते हैं अपन इंदौर, इनको भी कर लेते हैं यहाँ पे। चलो किसी किसी के नाम और लिख लेते हैं एक दो। चलो एक रिपीट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये नंबर आपको बढ़ाना बनता है, मैं टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है? खींचना बनता है कि नहीं? जैसे अपन खींचते, कैसे खींचते बताओ जरा। दो रहना चाहिए मिनिमम, और मिनिमम दो है। ये पॉइंट दिख रहा है आपको सबसे बॉटम में कॉर्नर में, इसको पकड़ कर आप खींचोगे। जैसे मैं अगर खींचता हूँ तो देखो जरा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, देखो हो रहा है। हम वापस कर देते, नहीं करना हमको। चलो बताओ फॉर्मेटिंग किसको करना है, इसी को करना है। मान लो एक तरीका है, जैसे मान अभी आपको बोला गया है कि एग्जाम टाइम आने वाला है, मिनिमम फीस किसी की जमा होना चाहिए जितनी भी। जैसे मैं नोटिस डाला था कि मिनिमम 5,000, 5,500 जमा होना चाहिए। अगर जिसकी 5,500 से कम है तो वो रेड लाइट जल जाए, मतलब क्या है, शर्त लग रही कि नहीं, है ना? जैसे अपन बोलते हैं ना कि 2 बजे तक आप नहीं आए तो क्लास से बाहर, तो क्या है ये कंडीशन? तो ऐसे ही हम यहाँ बताने वाले हैं कि अगर एक निश्चित वैल्यू से कम है तो उसका कलर अलग हो जाए, या एक निश्चित वैल्यू से अधिक है। जैसे मान लो किसी की फीस है 9,000, अब 9,000 से किसी ने ज्यादा दिया है नहीं दिया पता करना है, तो करना पड़ेगा कि कंडीशन? तो उसी कंडीशन के अनुसार फॉर्मेटिंग करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। क्या नाम है देखो जरा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है? चलो इसमें हमको क्लिक करना है। डेफिनेशन समझ में आ गई कि नहीं? डेफिनेशन में जैसे ही हम काम कर लेंगे उसके बाद स्टेप्स लिखेंगे। कहाँ से देखो जरा, होम टैब में जाएंगे, स्टाइल दिख रही, स्टाइल में जाएंगे और कौन सा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें पहला ऑप्शन ही हमारा काम का है, बाकी का ऑप्शन हमको बने ना बने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थ्योरी में इसी को बस लिखना है, ठीक है? बाकी चीज तो आपके करने के लिए है, इधर थोड़ा हाईलाइट वगैरह। तो देखो यहाँ कुछ ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहला ऑप्शन देखो जरा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है से बड़ा। अब से बड़ा मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो आप दोगे, तभी तो बड़ा देखोगे। तो हम बोल देते हैं कि कितना, 20,000 से, ये 20,000 से बड़े जितने भी होंगे उसमें कलर हो जाएगा, जो कलर है वो यहाँ पे दिया है। अब मान लो आपको ये कलर नहीं करना तो आप दूसरा कर सकते, देखो कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? मतलब हमने एक टारगेट डिसाइड कर दिए कि इस वैल्यू से बड़ी है, मतलब से बड़ा है तो क्या होना चाहिए, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए, वो आपकी मर्जी। इनमें से जो भी करना वो आप कर लेना। मान लो हम करते हैं क्या, जैसे हमने यहाँ वैल्यू चेंज करे, 10,000 से बड़ी है, तो अब देखो जरा उसने 15 को भी कवर कर लिया। इसका मतलब एक निश्चित कंडीशन के बाद जितनी भी वैल्यू आएगी, अगर हम छोटा करेंगे छोटा, अभी हमने बड़ा करे तो बड़े के लिए उन्होंने रेड कर दिया, रेड की जगह आप येलो कर सकते हो, येलो के बदले आप क्या कर सकते हो, ग्रीन। तो ये आपकी मर्जी है फॉर्मेटिंग क्या करना है। जैसे हमारी मर्जी, हमारे घरों में हम कलर करवा लेते हैं, तो जिसका जो पसंद है वो कर सकता है। तो यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार कर लेना, पर ग्रेटर देन में आप जो वैल्यू दोगे वो यहाँ सेल में रहना चाहिए, नहीं रहेगी तो क्या होगा, कलर करेगा ही नहीं भाई। कंडीशन अगर फेल हो जाएगी तो वो कलर क्यों करेगा, ठीक है? तो चलो हम यहाँ इसको ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो गया है। पर ओके कर दिए, अब हमको दूसरी कंडीशन लगाने, तो इसको हटाना पड़ेगा कि नहीं, हटाना पड़ेगा ना। तो देखो यहीं पे जाकर आप देखो, क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अब क्लियर में दो ऑप्शन आ रहा है, कौन कौन से देखो जरा ध्यान से, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। तो सेलेक्ट करें हमने कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑप्शन भी काम कर लेगा। अगर पूरी की पूरी सीट में हमको क्लियर करना है, नेक्स्ट ऑप्शन है। अभी कौन सा ऑप्शन उपयोगी है, पहला, देखो हट गया फॉर्मेटिंग, हट गई। आप देखो दूसरा ऑप्शन क्या देख रहा है, लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन मतलब होता है से छोटा, से छोटा मतलब जो भी हमने वैल्यू दी उससे छोटी, ठीक है? बैठ जाओ, ठीक है? देखो यहां देखो, हम एक निश्चित वैल्यू दे देते हैं, मान लो हमने 15,000 दे दिए। अब 15,000 हमने दिए हैं, इससे छोटे की बात हो रही है ना कि बड़े की बात हो रही है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे लाइट रेड है ना, जो भी कलर हम देंगे वो अप्लाई हो जा रहा, हो रहा है कि नहीं, देखो जरा हो रहा है। तो मतलब अभी छोटे की बात हो रही है और पहले हमने क्या करे थे, बड़े की, समझ गए? मतलब जो वैल्यू आप दोगे उससे बड़े को फॉर्मेट करेगा, जो वैल्यू दोगे उससे छोटे को फॉर्मेट। क्या 15,000 को उनने फॉर्मेट करा क्या, देखो ध्यान से छोटा बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि बराबर भी रहना चाहिए और छोटा भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं बोला उनने, उनने सिर्फ बोला है से छोटा, और पहले क्या बोला था, से बड़ा, यानी कि उस वैल्यू को बिल्कुल नहीं छुएगा वो, ठीक है? चलो इसको ओके करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, कैंसिल कर दे रहे हैं हम, आप करके देख लेना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बिटवीन मतलब के बराबर, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही है सबको वो फॉर्मेट कर देगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट मान लो हमने क्या लिख दिए, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 10,000, क्या लिख देते, 10,000, और मैक्सिमम वैल्यू हम लिख देते हैं 60,000,
ये 60,000, ठीक है। तो यहां देखो जरा, 60,000 में 60,000 भी आ जाएगा और 15,000 में, मतलब 10,000 में, तो 10,000 तो यहाँ है नहीं, अगर 15 देते तो भी 15 आ जाता। तो इन दोनों के बीच में, चाहे वो खुद वैल्यू हो, उसके अलावा बीच की जितनी भी वैल्यू, उसको क्या कर देगा, फॉर्मेट। कैसे करेगा वो, हमारी इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू जो भी करना। अब आपको कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं आप, देखो ये तो रेडीमेड है स्टाइल। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाओगे तो यहाँ देखो एक बॉक्स खुला जिसका नाम है फॉर्मेट सेल। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपको यहाँ बहुत सारी चीज दी है, तो आप कलर को बस देख लेना। जैसे मान लो आप कलर करना चाहते हैं ब्लू, तो देखो ब्लू कलर हो गया। तो ये ज्यादा वो नहीं है, पहले से उनने बनाकर दे दिए, इसका उपयोग कर लेना। ओके करेंगे, कैंसिल करेंगे, ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, कैंसिल। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, उसी में बिटवीन के अलावा एक और दिया है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब क्या होता है, जो वैल्यू आप टाइप करोगे वो रहना चाहिए, तभी वो फॉर्मेट करेगा अन्यथा नहीं करेगा। चलो यहाँ 37,500 है क्या, नहीं है, तो हम दे देते, मान लो हमने 15,000 दिए, तो देखो 15 को हमने क्या कर लिया, फॉर्मेट, ठीक है। ऐसे एक्यूरेट वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं ना कभी, जैसे मान लो आप नाम है बहुत सारे बच्चों के और आप सिर्फ अजय को ढूंढना चाहते, तो वहां इक्वल टू में क्या लिखोगे, अजय। पर अभी हमको न्यूमेरिक वैल्यू बोल रहा हो, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू को ओके करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, अन्यथा हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है देखो जरा, टेक्स्ट दैट कंटेन, ये है अजय के लिए। अजय के लिए मतलब इधर टेक्स्ट वाले के लिए, जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो टेक्स्ट वाले को, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप कहाँ जाते हो, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट और नंबर सबका कलेक्शन, और नंबर्स मतलब, हाँ ठीक है, अभी टेक्स्ट की बात हो रही, तो हमने जहां टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लिया और टेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करें, तो देखो राजेश खुद ब खुद आ गया है ना उसमें से। अगर हम चाहे तो उसको अजय भी कर सकते हैं, तो देखो अजय को फॉर्मेट करा, अजय एक ही है, कर लिया उनने। अगर राजेश करेंगे तो राजेश कितने हैं, दो। यदि हम दूसरे ऑप्शन मतलब दूसरा व्यक्ति का नाम टाइप करते, देखो यानी जो चीज आप वहां लिख रहे हैं टेक्स्ट है, उसी को वो फॉर्मेट करेगा, कौन से कलर में करेगा वो आप देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डेट। अब इस कंप्लीट सीट में डेट कहीं दिख रही क्या, तो डेट पहले टाइप करना पड़ेगा। चलो डेट वाला कॉलम बना लेते हैं, हम यहाँ डेट वाला बना लेते हैं। आज की डेट क्या है, सिस्टम की डेट देख लो, आज की डेट क्या है, दो मत बोलना, 2 फरवरी है। MMDD YY फॉर्मेट में चलता है, MM मतलब मंथ पहले आता है, DD मतलब डेट, फिर Y यानी कि ईयर। तो अगर ये 11 को हम नाम आने, तो ये डेट है और ये क्या है, मंथ। तो आज 11 तारीख है, ठीक है, तो उसी की डेट के अकॉर्डिंग ले लेते ना अपन भाई, 2 ले लेते पहले यानी कि मंथ फरवरी, और 11 ले लेते यानी कि, अच्छा आज की डेट ना लेकर हम कितने के ले लेते, आज की डेट से 3 डेट पहले देखो जरा कितनी हो रही है, 8 ले लेते, ठीक है ये ले लिए। अब अगर हम डेट को खींचते हैं ऐसे, तो बताओ मुझे डेट बढ़ेगी क्या, फिर वो ही आएगी, बताओ सेम आएगी ना। क्या हुआ, मैंने बताया था जो चीजें कंप्यूटर को पता है उसमें वो बिल्कुल भी गलती नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि 8 के बाद 9 आएगा, उसको ये पता है। देखो यहाँ ये डेट उसके पास है कि नहीं रिकॉर्ड में, टाइम भी है कि नहीं उसके पास, दिन भी है, मंथ भी है, सारी चीज जो चीज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। पर इसके बदले अगर हम दे देते हैं 5, तो ये 5 को क्या करेगा, वो समझ गए, 5 के बाद 6 आ रहा है उसको थोड़ी पता है, उसको बिल्कुल नहीं पता ऐसी चीजें, जो चीज उसको पता है वो उसमें काम कर लेगा, और जो चीज नहीं पता उसमें काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अभी देखो जरा डेट बढ़ी कि नहीं, बढ़ गई। अब ये मत बोलना 2-2 आ रहा है वो बढ़ा नहीं, ये डेट को देखो आप, डेट ये मंथ है, ठीक है। चलो और बढ़ा ले आगे, हमने 2 महीने की डेट टाइप कर दी ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो दोनों महीने की डेट को ऐसे सेलेक्ट कर लो, कर लिए सेलेक्ट, कंप्लीट सेलेक्ट है देखो, है कि नहीं। चलो इसको हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर नेक्स्ट डेट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब डेट में बहुत सारी चीज मिलेगी आपको, यस्टरडे का मतलब क्या है, बीता हुआ कल, और टुमारो मतलब आने वाला कल। तो यस्टरडे में कौन सी तारीख थी देखो जरा, 10, और अगर हम टुमारो करेंगे इसकी जगह तो देखो, और आज की डेट करेंगे तो, ठीक है, टुडे करेंगे तो आज की डेट है ना। अब ये मत बोलना आपके सिस्टम में अगर डेट गलत है तो वो गलत बताएगा, देखो जो सिस्टम है वो ही बताएगा, वो अंतर्यामी तो है नहीं, उसको रिकॉर्ड मिल रहा कहां से, सिस्टम से। देखो वहां पे डेट एंड टाइम दिख रहा सबको, इससे ही रिकॉर्ड मिलेगा उसको, वो रिकॉर्ड को वो यहाँ पे बताएगा। अगर टुडे की डेट यहाँ गलत होगी तो वो भी गलत बताएगा, तो हमारे ये सिस्टम में तो सही है तो सही दिखा रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा,
इन द लास्ट 7 days। अब आज से, आज की डेट क्या है 11, आज से 7 दिन पहले। अब इसको चेक करने के लिए आप 3 दिन और पहले से ले लेना डेट, ले सकते कि नहीं? उनने जितने दिन मिले उसको उसको बता दिया, बाकी उनने छोड़ दिया, है ही नहीं तो क्या कर सकते है? जैसे यहाँ से बोला जाएगा डीसी के 8 बच्चे लाओ, अब मिल रहे कितने, 4 ही, और दूसरे थोड़ी पकड़ लेंगे, भैया 4 मिले, 4 ही लिया, तुमने भले ही 8 मांगे थे, है ना? तो ऐसे उसने बोला है लास्ट 7 days, यानी कि मिले 4 ही, 3 नहीं मिले तो उसकी गलती नहीं है, ठीक है। अब लास्ट वीक, लास्ट वीक का मतलब क्या है, आज कौन सा दिन है बताओ जरा, शनिवार, यानी कि लास्ट वीक, यानी कि ये वाला हफ्ता छोड़ दो पूरा पूरा, तो समझ जाओ आपको 8 दिन पहले की तारीख से लेना पड़ेगा, समझ गए? तो आप तारीख और पहले से ले लेना, समझ में जाएगा, ये ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें, 2-3 महीने की तारीख ले लो ना यहाँ पे, सब समझ में जाएगा। दिस वीक का मतलब वो रविवार से लेके अभी तक का, समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वीक देखो, आज के बाद से जितना भी है वो 7 दिन को ले लिया उनने, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, लास्ट मंथ में देखो, अब लास्ट मंथ की यहाँ डेट है कि कोई, तो इसका मतलब लास्ट मंथ की डेट क्या लेना पड़ेगा हमको, जनवरी, जनवरी की डेट भी ले लेना, खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा। और दिस मंथ में फरवरी की, और नेक्स्ट मंथ में देखो, नेक्स्ट मंथ ओके करके देख लो, देखो है ना, समझ गया कि नहीं? पर 3 महीने की डेट आपको लेना है, और 3 महीने की डेट लेना तो ऊपर नीचे जा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये बन जाएगा कि नहीं, डेट वाला बनेगा कि नहीं, डेट नाम आएगा, इसका मतलब डेट टाइप करना है, ये नहीं कि कहीं और हथियार चला रहा है, ठीक है। अब जैसे अपने को कपड़े सिलना रहता तो क्या उपयोग करते हैं, सूजा या सुई, और बोरी सिलना तो सूजा, और अगर किसी को मारना है तो सूजा से मारते, अरे कुछ नहीं होगा, वो टाका लगवा लेगा उसको, चाकू में क्या होगा, मारो और 2-4 बार घुमा दो ऐसे तो क्या होगा, मतलब सिंपल सी बात है, जो चीज जिसके लिए बनी उसी के लिए। मान लो आपको क्या है, सिर दर्द की दवाई, मतलब सिर दर्द हो रहा है और आप हाथ पैर दर्द की दवाई खाओगे, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन पहले ही बोल रहा है कि डेट चाहिए उसको, तो डेट चाहिए तो ना तो नंबर चाहिए ना तो टेक्स्ट चाहिए, तो पहले उसको डेट दो, है ना, तभी ऐसा वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। दूध के साथ खाने वाली मेडिसिन को पानी के साथ नहीं खाना है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट चाहिए उसको, डेट में काम करेगा क्या, नहीं, ठीक है। उसके अलावा देखो बाकी ये सारे चीजें आपको किस में काम करेगा, नंबर्स में। और एक और दिया है डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे यहां हमने डुप्लीकेट टाइप करे, कुछ करे नहीं करे वो बता देगा, हमने करे नहीं करे वो ध्यान ही देना है। तो डुप्लीकेट वैल्यू क्या क्या है देखो जरा, छिंदवाड़ा डबल है, डबल मतलब 2 से 1 से अधिक, 1 से अधिक मतलब डुप्लीकेट। अगर इसी में यूनिक देखना है तो यूनिक को देख सकते हैं, यूनिक मतलब क्या होता है, यूनिक मतलब क्या होता है, हाँ जो सबसे अलग है, जैसे जबलपुर एक ही है, इंदौर भी एक ही है, तो यूनिक वैल्यू भी चेक कर सकते हैं और डुप्लीकेट भी चेक कर सकते हैं। चलो और थोड़ी सी, अब ये तो ऑप्शन हो गए हमारी, लिखना है सभी को, ठीक है। उसके अलावा आप टॉप बॉटम ये रूल जो है इनको हम देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ देखते हैं, अब आपने देखा होगा मोबाइल में टावर आता है, टावर मतलब सिग्नल मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं, कैसे पता चलता है उसमें रहता है 1, 2, 3, 4, 5, है ना, जितने भी रहते हैं। तो अगर हम कहीं गड्ढे में घुस जाते क्या होता है, हाँ एक भी मतलब जो टावर है उसका नहीं मिलता। तो यहाँ देखो आइकॉन के साइड भी दी है, देखो जरा दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा चार्ज है वो 70% मतलब 70 है ना। अब वो उसको हाईएस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके अलावा उसको हाईएस्ट मिल ही रहा है। मान लो उसको हाईएस्ट, या फिर हम ऐसा कर देते हैं 1 लाख दे देते हैं, यहाँ कितना दे देते हैं 1 लाख। तो अब बताओ 100% कौन सा है, 70,000 है कि 1 लाख है, बताओ। तो मतलब यहाँ पे देखो मैक्सिमम उसी को देखा रहा है, 70 को उनने बोल दिया, 1 टावर कम मिल रहा है, बोल रहा है। आप चार्जिंग करते कि नहीं, आप करते हैं ना, तो चार्जिंग करते तो बैटरी आती होगी, इस प्रकार से दिखती होगी, है ना, मतलब जैसे ये तो हो गया हमारा कौन सा, खतरे का निशान, जैसे जो भी है। और देखो डेटा, हाँ यहाँ देखो, देखो चार्जिंग वाली बैटरी का निशान है ना, देखो फुल चार्ज है मतलब, और कम है मतलब, अब इतने में तो रेड दिखाने लगता है वो, है ना, कई उसको जी जान से निचोड़ डालते बिल्कुल खींच खींच के, बोले जीरो ना पहुंचाओ तब तक काम है। हालांकि 8 दिन बाद क्या करना चाहिए आपको, 8 दिन में एक बार बैटरी को पूरा खाली होने देना चाहिए, क्यों होने देना चाहिए बताओ जरा, उसका टेक्निकल रीजन बताओ। मोबाइल नया लिए कि सेकेंड हैंड लिया आपने, सबने नया लिए है ना, तो 8 दिन तक तो आप उसको खाली मत होने दो, पहला नियम 50% से ऊपर रखो, और उसके बाद हर 8 दिन में उसको जीरो करो, क्यों करना जीरो, सब सबके घर के ऊपर सिंटेक्स है कि नहीं पानी की, सिंटेक्स मतलब पानी की टंकी,
तो उसको कितने दिन में साफ करते हैं, उसको कितने दिन में साफ करते हो बताओ? हाँ जितने भी दिन में करते हैं, पर करते हो कि नहीं? जितने भी दिन में करते बताओ, करते हो कि नहीं? तो ऐसे ही मोबाइल में भी क्या होता है, धीरे धीरे जो बैड सेक्टर्स आते कि नहीं मेमोरी में, उसी प्रकार बैटरी में भी क्या होते हैं, बैड सेक्टर्स टाइप की चीजें आ जाती। तो एक बार उसको पूरा खाली होने दो और नए सिरे से चार्ज होने दो, तो उससे क्या होता है हमारी बैटरी की कार्य क्षमता रीजनरेट हो जाती है, यानी कि फिर से उतनी चलेगी। धीरे धीरे डाउन होती कि नहीं बैटरी, एक साल दो साल चलने के बाद आप बोलते होंगे कि अरे काम चल रही बैटरी, क्यों चलती? आप ख्याल नहीं रखते उसका, है ना। और किसी का भी ख्याल नहीं रखे मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा, आई हेट यू हो जाएगी। अब आई हेट यू मतलब हर जगह होता है, आप मोबाइल नहीं चलाओगे वो भी आई हेट यू बोलेगा आपको, सिंपल सी बात है। कंप्यूटर पे ध्यान नहीं दोगे क्या होगा, हाँ मोबाइल अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे मोबाइल का, तो घर वाले में कोई भाई बहन है मम्मी पापा को ध्यान नहीं दोगे अच्छे से, तो उधर से भी खूब पड़ेगी, है ना। और दूसरी तरफ तो आपको पता ही फिर उधर, है ना, वो बाकी चीज सब ध्यान रख लेना। चलो समझ गए, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम में यहाँ 10-12 संख्या लिख देना, इसको उपयोग करके देख लेना। टॉप 10 आइटम, जैसे अपन बोलते हैं ना 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में अपन बोलते हैं कि टॉप 10 अच्छे बच्चे कौन से हैं, गधे नहीं अच्छे वाले, ठीक है। और नीचे वाला बोल रहा है देखो, ये देखो बॉटम 10 यानी सबसे गधे वाले 10 बच्चे, है ना। पर आपके पास रहना चाहिए कि नहीं, पता चल रहा आपके पास 10 ही रिकॉर्ड है, तो टॉप 10 मतलब टॉप 10 तो टॉप 10 दिखाए, पर परसेंट में क्या बोलेगा बताओ? 10 लिखेंगे तो एक बच्चे को निकाल के बोल देगा 10% निकाल दिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, इसी को करते हैं अपन, इसकी संख्या और बढ़ा दें क्या? चलो डेट नहीं बढ़ाते, इसी की बढ़ा देते हैं हम यहाँ पे, और इसी में लगभग जितने भी रिकॉर्ड हो गए हमको नहीं पता, अपन देखना चाह रहे हैं कि टॉप 10 जो है वो दिख जाए, ठीक है। अब ये हटा देते, कूड़ा कचरा हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना, इसको हटाओ पहले, क्लियर साफ सुथरा काम करो। अच्छा यहाँ पे हम जो है सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते, देखो दिख रहा है, सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब हम चाहते हैं टॉप 10 जो है वो दिख जाए हमको, तो टॉप 10 दिख रहा है तो यहाँ देखो ओके करो, देखो 10 रिकॉर्ड दिख गए होंगे आपको, दिख गए। उसके अलावा आप क्या चाहते हो, इसको पहले क्लियर करो, दूसरा देखना हमको, बॉटम ना देखे टॉप 10% देखते, तो टॉप 10% मतलब 20 रिकॉर्ड रहेंगे तो कितने दिखाएंगे, 2, 10 रहेंगे तो 1, और 100 रिकॉर्ड रहेंगे तो 10, तो मतलब 10% मतलब समझ गए ना, जितना भी रहे 50 का 5 दिखाएगा। अगर आप इसको बढ़ाते हो तो देखो यहाँ रिकॉर्ड भी बढ़ेंगे, बढ़ रहे कि नहीं, मतलब परसेंटेज बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात रिकॉर्ड भी बढ़ रहा है, इसको कैंसिल कर दो। ऐसे आप बॉटम को उपयोग करके देख लेना, देखो बॉटम 10 और 10%। उसके बाद अबव एवरेज, अपन नहीं बोलते इसमें से औसतन अच्छे बच्चे निकल कर आओ, ऐसा बोलते कि नहीं, मतलब औसतन मतलब भाई जितने भी निकल जाए, तो अबव एवरेज मतलब लगभग लगभग सबसे अच्छे। और अगर हम औसतन बोले सबसे गधे, देखो बिलो एवरेज मतलब आप सबसे गधे कब बुलाएंगे, हमको पता चलना चाहिए ना कि क्यों रिजल्ट बिगड़ा है ना, सुधारने की कोशिश नहीं करोगे तो रिजल्ट बिगड़ा उनके लिए वो बुलाओगे सबसे गधे आ जाओ औसतन, और बधाई देने के लिए कौन आएगा, अच्छे, है ना। अब अच्छे नहीं, बुरे वाले भी अच्छे होते हैं, अब कुछ कारण से बिगड़ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी बिगड़ गए वो, ठीक है, बिगड़े हुए भी अच्छे होते हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कर दो अच्छे हो जाएंगे। चलो कलर स्कीम करके देख लेना, आइकॉन सेट कर लेना, ये सारे ऑप्शन, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है ये, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला में काम कर लेते, शायद वहां सारी चीज हो गई, फिल वाला ऑप्शन करेंगे, नई सीट लाना बनेगा, बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। प्लस बटन से हम जितनी चाहे उतनी सीट ला सकते हैं। अब संख्या मत पूछना, संख्या शायद कुछ भी हो सकती है, शायद इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि आप आरोप नहीं लगा सकते बाद में, है ना, तो आप भी दूसरा हमको हमारे ऊपर आरोप ना लगाए, इसलिए पहले क्या लगा दिया करो, शायद, है ना। अब हर चीज में शायद मत लगाना, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए, घर वाले बोलेंगे कि पढ़ने तो जा रहा है, पास हो जाओगे कि नहीं, शायद हो जाएंगे, खूब पढ़ेगी फिर, अरे जा क्यों रहा तू, शायद पास हो जाएंगे, जा क्यों रहा बताओ, अब वो बाद में रिजल्ट बताएगा, पर अभी तो बोलना ना उसके लिए। चलो हमको क्या करना है, फॉर्मूला में काम कर, मतलब फंक्शन पर काम करना, जैसे हमने 25 लिखे, कुछ भी लिख देते इस प्रकार से 10-12 अंक। यहाँ बताओ मुझे इनका सबका टोटल निकालना था, हम क्या लगाते थे, सम, इक्वल तो लगाना ही है, इक्वल को भूल जाओ या कुछ भी करो, पर इक्वल आप नींद में भी लगा सकते हो, सम। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, पहले सेल की वैल्यू, सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू लिखते हैं कि एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो बी कौन से में लिखा है 25 बताओ, कैसे निकाले, कॉलम हमारा बी है, और 25 वाली रो में गए तो कौन सा है, 8, तो इस हिसाब से मिलाकर क्या बन गया, वो B8 बन गया। अब देखो सेलेक्ट कर लिया कि नहीं उसने, सही एड्रेस रहा तो सेलेक्ट कर लिया,
फिर उसके बाद बी वाला कॉलम है और 50 कहाँ लिखा देखो जरा, B12 में, तो बीच में हमको लगाना पड़ता है कॉलम, समझ गए, B12। और इस प्रकार से आप ब्रैकेट बंद करोगे और सीधे एंटर करोगे। अब गलती करोगे तो एरर आएगी, कुछ और गड़बड़ हुआ तो वहाँ आंसर गलत हो सकता है लॉजिकली। तो नियम आपको क्या रखना है, इक्वल तो लगाना ही है, फंक्शन का नाम सही होना चाहिए, दूसरा दोनों ओर आपका ब्रैकेट होना चाहिए, स्टार्ट और क्लोज, ठीक है, और बीच में आपको सेल की रेंज लिखना, सेल की संख्या मतलब एक प्रकार से एड्रेस है कि रेंज है, रेंज क्यों बोल सकते हैं हम, हाँ एक से अधिक सेल के एड्रेस को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। चलो एंटर कर दें। इसी प्रकार ये तो हो गया टोटल का, दूसरा मैंने बताया था एवरेज निकालने का, तो एवरेज के स्पेलिंग अगर आप सही लिखते हो, नीचे अभी जा रहा देखो तो आप देख सकते हैं ना, अच्छा जो व्यक्ति देखकर भी नहीं लिख सकता वो तो फिर क्या है उसको, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दूर दृष्टि क्या क्या होता है, वो है ना उत्तल लेंस अवतल लेंस उपयोग होता है कि नहीं, देखे होंगे किसी किसी, अब अपनी एज बढ़ेगी तो क्या होता है, यहाँ नीचे एक चश्मे में अलग लेंस रहता है और ऊपर एक अलग रहता है, यानी दूर और पास दोनों मिट जाए, तो ऐसी नौबत आने क्यों देना, अच्छा रखो उसको, ठीक है। मैंने बताया ना मेडिटेशन शीर्षासन करो कभी आँख खराब नहीं होगी, मतलब यहाँ से धीरे धीरे खून की कमी होगी, कहाँ जाती नीचे, तो यहाँ कमी होगी तो आप इरिटेट होते टेंशन में आते हो, ठीक है दिमाग खराब होगा आपका, या और क्या क्या हो सकता है, आँख कमजोर हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या बताया था मैंने, 5 मिनट उल्टा लटक जाओ सुबह, ठीक है, कोई हंसने की बात नहीं है, वो जरूरी है, और आप तो पढ़ रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, और अपनी एज के बराबर मेडिटेशन करना, ध्यान मतलब समझते कि नहीं, हाथ बंद करके कहीं और दौड़ना नहीं है, मतलब माइंड को सीधे चुपचाप बोलना है कि तू घर में है कमरे में और यहीं रहे, ठीक है ये बोलना है उसको, ये नहीं बोलना है कि बस आंख बंद कर ली और घूम रहे कहीं भी, और ध्यान मग्न होकर बोले विचार कर रहा है कि प्लानिंग क्या करना है अभी, मतलब मेडिटेशन करने के बाद क्या करना वो सोच रहा है, तो ये थोड़ी ध्यान है, ऐसा नहीं करना। तो एवरेज की स्पेलिंग बन जाएगी, ज्यादातर याद भी होना चाहिए, मोबाइल में आप शॉर्ट कोड नहीं लिखा करो, कभी किसी बोलते कि नहीं चैटिंग कर रहे अच्छी बात है परंतु शॉर्ट ना लिखे, बड़ा लिखो ना अच्छा, टोकना भर भर के, ठीक है, चाहे तो उसमें OTG कीबोर्ड फंसा लो, टाइपिंग करते ही नहीं सभी, तो टाइपिंग सीख रहा है सामने वाले फालतू कोई चैटिंग कर रहा है उसको खूब परेशान करो, फिर चैटिंग कर मतलब ऐसा टाइपिंग करके, क्योंकि आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस हो रही है, परेशान होगा वो दोबारा नहीं छुएगा आपको फिर, ठीक है। चलो यहाँ एवरेज लिखे, अब बताओ इसमें भी क्या क्या करेंगे, जैसे सम में करे थे वैसे ही इसमें भी, तो कहाँ से कहाँ लिखेंगे बताओ जरा, D8 से D12 तक है ना, देखो सेलेक्ट कर लिया उनने सभी, कोई नियम है, अब देखो इनने एवरेज निकाल दिया, अब ये 0.4 आ रहा है, इसका मतलब और बढ़ भी सकता है वो डेसिमल पॉइंट के बाद, और घट भी सकता है, तो मैंने बढ़ाना भी बताया था और घटाना भी, देखो इससे बढ़ेगा और इससे घटेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इंडेंट पढ़े थे अपन ने किसमें, MS वर्ड में, तो ये एक प्रकार से इंडेंट ही है। चलो यहाँ क्या कर लेते हैं हम, एवरेज के बदले हम क्या कर लेते हैं, काउंट, काउंट मतलब क्या है, गिनना, ठीक है, तो वही है F8, क्या लिखेंगे, F8 से F12, देखो कितनी संख्या है, 5, उसके अलावा 2 और बताए थे, कौन कौन से थे बताओ जरा, एक था मैक्स, मैक्स मतलब बड़ी संख्या, कहां से कहां लिखेंगे, H8 से H12, इसको बंद कर दो, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, 62, अगर हम बढ़ाते हैं तो बदलेगा कि नहीं, बदलेगा, डायनेमिक रहता, देखो 80 हो गई सबसे बड़ी, ठीक है, अगर यहाँ ले जाके आप 105 कर देते हो, 150 जो भी करते हो, देखो बड़ी संख्या आ गई, यानी भविष्य में बदलेगा, तो वो क्या है, फंक्शन बदलते हैं। इसके अलावा एक और कौन सा है, मैक्स का भाई मिन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, J8 से लेकर J12 तक, ठीक है, इसको अपन ने बंद करे, अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 50, मान लो भविष्य में 8 हो जाती तो क्या होगा, 5, बदलेगा कि नहीं, एक चीज बस नहीं बदलेगी, संख्या काउंट वाला, क्योंकि आपने एक दायरा निर्धारित कर दी इतनी संख्या, पर अगर आप ऊपर लिखते बदलेगा नहीं, पर ये बदलेगा कि नहीं, देखो बदलेगा कि नहीं, देख लो ना, अभी बदल रहा है औसत, और यहाँ पे बदलेगा कि नहीं, बदल जाएगा, इसका मतलब इसको भी आप अगर रख देते ऊपर तक तो वो संख्या को बदल लेता, ठीक है, परंतु हमने तो इसको निर्धारित करे ना, देखो एक बाउंड्री सेट कर दिए, ठीक, हाँ, पर ऊपर भाई ऐसा किसको पता, देखो हम बड़ी जगह ले लेंगे अगर पता रहता, जैसे घर बनाने के लिए आप देखेंगे प्लॉट लेते तो भविष्य में बनाना था, बड़ा ले लेते साइड में छोड़ देते तो वो ठीक है, पर जिनने सोचे ही नहीं है तो वो तो ऊपर ही बना सकता है ना, कि राइट साइड में बना सकता है,
दूसरे घर के ऊपर छत रख दिए निकले जाकर, ऐसा होगा क्या? रातों रात अगर छत चोरी होने लगे तो क्या हो जाएगा बताओ? गड़बड़ हो जाएगा ना, सोए है व्यक्ति ऊपर से छत गायब, ठीक है, दूसरे के ऊपर छत रखा गई है तो इसके ऊपर संख्या नहीं रख सकते, समझ में आ गया कि नहीं? स्पेलिंग भूले ना, इसके लिए यहाँ स्पेलिंग लिखी भी है, ठीक है। चलो अब एक चीज और बताया था मैंने, जैसे हम मान लो यहाँ पे टू लिखते हैं और टू को नीचे तक लाना है यहाँ तक, तो क्या करते थे? खींच दो, खींच सकते थे कि नहीं? इसी के लिए एक और ऑप्शन है यहाँ पे डाउन, दिख रहा है? देखो अगर हम चाहते हैं कि ऐसे में आए, भाई इस रास्ते नहीं जाना है, इस रास्ते जाना है तो भी तो हो सकता ना, तो वो कौन सा है, राइट है कि लेफ्ट है? राइट। तो देखो यहाँ राइट ऑप्शन दिख रहा है क्या? देखो राइट आ गया। अब किसी को उल्टी दिशा में जाना तो नहीं हो सकता, जा सकता है वो, तो कौन सा है, ऊपर है कि नीचे? ऊपर मतलब क्या होता है, देखो जरा यहां से, अब हो गया। अब किसी को इस साइड जाना तो ये लेफ्ट होगा, वो एक ही जगह है भैया, तो उतना ही फिल कर दो, देखो लेफ्ट। देखो चारों चीज हो गई, तो चारों चीज भी कर लेने, इसकी शॉर्टकट बता देता हूं। चलो जैसे हमको नंबर नहीं लाना है, ये नाम लेके आना है, तो देखो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी दबाओगे, डी फॉर डाउन, डॉग मत बोलना, ठीक है, डी फॉर डाउन, ये देखो हुआ कि नहीं? और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आर दबाओगे तो क्या होगा? राइट। देखो अब उनकी शॉर्टकट नहीं है ना भाई, ज्यादा सेवाएं नहीं मिलती, जैसे घर से अपने को बोल दिया जाए ठीक है पढ़ने जा रहा है, थोड़ा बहुत दोस्तों से मिलकर जाना, अब तुम बोलो नहीं अब रात के 10 बजे आएंगे मिलकर, तो दूसरे दिन से क्या हो जाएगी? सेवाएं समाप्त, यानी कि अब तुम कॉलेज भी नहीं जा सकते, समझ गए ना? तो इसलिए जो भी हमारे अधिकार उसका मिसयूज करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, ठीक है, दायरे में रहना चाहिए। जैसे संविधान में आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट है सबके, मौलिक अधिकार, उसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूल कर्तव्य भी दिए गए, 11 प्रकार के मूल कर्तव्य है, ठीक है, कहाँ कहाँ होते वो मेरे को याद नहीं है, तुमको याद होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, मेरे को याद भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो रहना जरूरी है। जैसे आप गाड़ी चलाते कि नहीं? गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट ना हो इसलिए बीच में ब्रेकर लगा दिए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? गाड़ी चलाना हमारा अधिकार है, पर ब्रेकर लगा वो हमारा कर्तव्य है कि रुको धीरे से, नहीं फेंका जाओगे बाहर, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई हमारी, यहाँ तक फाइंड रिप्लेस करके देख लेना, बता दिया हूं मैंने। अब हम नेक्स्ट डे में जो करेंगे वो है पिवोट टेबल और चार्ट, दो ऑप्शन काम के, बाकी चीजें देखो हेडर एंड फुटर सबने पढ़े कि नहीं? पहले पढ़े वर्ड आर्ट, देखो अच्छे देखो चेहरा, इक्वेशन, सिंबल, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स सब पढ़े ना, तो वो यहाँ क्वेश्चन नहीं आना है, बस हमको यहाँ उपयोग के लिए एक बार करके देख लेना। आएगा क्वेश्चन चार्ट से, चार्ट मतलब चार्ट नहीं चार्ट, ठीक है, चार्ट मतलब वो वाली नहीं, समोसा चार्ट मत बोलना, ठीक है, तो ये क्या है? चार्ट मतलब वो डायग्राम जो चित्र बनता है वो है, और एक है पिवोट टेबल। फिल्टर उपयोग करे कि नहीं बताओ? करे ना। फिल्टर में क्या होता था, सिर्फ हम क्लिक करके उस जानकारी को बस देख पाते थे जो हमको चाहिए, पर पिवोट टेबल में ये भी होगा कि जो जानकारी हमको मिली है उसका कैलकुलेशन भी हो जाए, मतलब फिल्टर का बड़ा भाई, समझ गए? तो पिवोट टेबल भी पढ़ेंगे। पेज लेआउट में हमने देखो, जब भी आप सीट बनाते हो भले ही मैं जाऊं ना जाऊं, पर आपको यहाँ जाना है। उदाहरण में बताता हूँ, पार्टी में जाते कि नहीं? जाते हो, तो पार्टी में जाते हैं, खाने के लिए जब जाते हैं तो सबसे पहले किस एरिया में घुसते हैं बताओ मुझे? प्लेट तो चलो ठीक, वो तो लेना ही है, हाँ, यहाँ से थोड़ी खाएंगे बिल्कुल, तो प्लेट तो बेसिक, जैसे इक्वल लगाना फंक्शन में क्या है, आधारभूत सिद्धांत है, वैसे ही हमारा प्लेट लेना वो है, पर उसके बाद कहाँ जाते हो बताओ? प्लेट लेने के बाद दाल चावल तरफ जाते, कहाँ जाते हो? है ना, वो कूड़ा कचरा की तरफ जाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, जाते ही नहीं, कूड़ा कचरा की तरफ जाओगे। तो यहाँ पे भी ऐसा मान लो, एक्सेल में सबसे पहले कहाँ जाना आपको? इसी में, यानी कि जैसे एक्सेल सीट मिली, जैसे उदाहरण के रूप में हम यहां एक्सेल खोलते हैं, फिर से ये एक्सेल खोले, ठीक है, मतलब शादी में गए, ठीक है, ऐसा मान लो, और ये क्या है हमारी प्लेट, इसी में कुछ सब कुछ रखोगे, फिर हाथ में रखोगे, इसमें ये सीट वर्कबुक में, वर्कबुक जैसे मिली कहां जाओगे सबसे पहले? हाँ, मतलब उधर ही जाना है, तो मार्जिन सेट करो, नॉर्मल है जो भी है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप जो भी सेट करना है, और यहां से साइज सेट करना है। जैसे आप इतना सेलेक्ट करोगे तो देखो पेज के साइज डिफाइन हो चुके, हो गए कि नहीं? देखो जरा हो गए, तो आपको इस एरिया में ही डिफाइन करना ना अपनी सीट को, कि बाहर चले जाओगे। भाई एक जमीन है, घर बनाने के लिए हमको एक एरिया दे देते कि नहीं? इतने एरिया में ही बनाना है कि कहीं बनाते रहोगे? नहीं, हमने तो प्लाट लिए, कॉलर खड़े करके बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है,
ठीक है, तो आपको एक निर्धारित एरिया मिल गया, इतने में ही काम करना है। पता चल रहा है आपने काम कर लिया और बाद में आप बनाने गए कि भैया हमारे एरिया क्या था, या तो कम में बना सकते या तो ज्यादा में, तो दिक्कत होगी कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, पेज सेटअप, ठीक है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य भी, इसको करना बहुत जरूरी है। चलो इतने की प्रैक्टिस कर लो।